बिल्कुल ऐसा कि जैसे कब्रिस्तान में मैच हो रहा है, ग्रेवयार्ड में मैच हो रहा है, इस तरह की सूरत हाल है यार। एक ब्रांड, अब पता नहीं क्या मैं कहूं कि है कि नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का PSL, लेकिन बुरा हाल कर दिया है। दे हैव रिड्यूस्ड इट टू जस्ट, मतलब व्हाट कैन आई से यार। अगले साल PSL देखिएगा, ये जो जर्नलिस्ट हम लोग देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, मामला खराब हो जाएगा। तो जरा ये ख्याल करना चाहिए। और देखें, जितने भी लोग हैं ना ग्राउंड में मैच देखने आए ना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। वहाँ आपको है ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, ताकि लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर पे। स्टेडियम में आपको ढूंढना पड़ता है एक एक करके कि यार कहाँ पर बंदा कोई बैठा हुआ है, मिल जाए बंदा। 4 करोड़ की आबादी में जब 2000 लोग भी स्टेडियम में मैच देखने नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यही है कि कब्रिस्तान में PSL के मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे अहम मरहला क्वालिफायर राउंड, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। बास पवेलियन में तो इनक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। ये प्लेऑफ चल रहा है जनाब, PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ, और इतने गंदे गंदे नजारे आ रहे हैं, कोई है ही कोई नहीं बंदा, 1000-2000 की दुबक के कहीं बेचारे बैठे हुए, बाकी खालम खाली। कराची की जो बात की जा रही है, कल हमने देखा कि स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आए, तो फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इसी। अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अभी मैं देख रहा था कि वो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स की, खचा खच भरा हुआ उनका स्टेडियम, ठीक है, हमारे वहां यानी कि क्वालिफायर हो रहा है यार, मतलब 4 मैच रह गए PSL के, फिर भी ये कराची में क्राउड नहीं आके दे रहा। खिलाएंगे ना तो यही हाल होगा। वो क्रिकेटर जो दूसरी लीगों में कोच हैं, आपकी लीग में मेन स्ट्रीम क्रिकेटर बन के खेल रहे हैं, तो फिर कौन देखने आएगा मुझे बताएं। इस तो PSL को भी खुराक की जरूरत है भाई, आप अपने पैसे बढ़ाएं, फॉरेन क्रिकेटर्स को लेके आए, वो फॉरेन क्रिकेटर जिनको लोग देखना चाहते हैं। ये जब PSL शुरू हुई थी ना, उस वक्त 2-4 लीग थी, अब 10 लीगें हो रही हैं, और पैसे वाइज पाकिस्तान सुपर लीग 6 नंबर के ऊपर है, आप अंदाजा कर लें। और आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह से काम चलता रहेगा? ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर कि भाई कुछ पहल लाओ, इंजन ही गुजारा होना। ILT का दूसरा सीजन था UAE में हो रही, जहां पर लोकल खिलाड़ी भी नहीं है, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडियन लोकल खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं, उनकी आप लीग का स्टेटस चेक करें, पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा है। मैं तो कहूंगा BPL का भी इस बार ज्यादा था, तो आपका BPL देखें पूरे का पूरा क्राउडेड गया है। अभी IPL शुरू होने वाला, देख लीगा, ये सब चेहरे नजर आएंगे, सब अपने काम शाम छोड़ के आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि दिहाड़ी लगनी है। ठीक है, आप IPL जितने पैसे नहीं दे सकते, मगर उतने तो देंगे बाकी लीग्स के अंदर आप सर्वाइव कर सकें। ये अगले साल PSL देखिएगा, ये जो जर्नलिस्ट हम लोग देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, मामला खराब हो जाएगा। PSL की हमने जैसा बात की और फैंस की भी बात की, कराची की जो बात की जा रही है, कल हमने देखा कि स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आए, ट्रेडिशन भी यही रही है कराची में थोड़े से कम लोग आते हैं, अगर कुछ सवाल से आप बताना चाहें। तो फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इसी। अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। तो जरा ये ख्याल करना चाहिए। और देखें, जितने भी लोग है ना ग्राउंड में मैच देखने आए ना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। वहाँ आपको है ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, ताकि लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर पे, बाहर अगर आप जाए ना मैचेस देखने, तो वो सिर्फ मैच नहीं देख रहे थे, वो पूरा अपना एक पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप इस तरह का एटमोसफेयर देंगे ना, तो लोग बहुत आएंगे। अब ये जो प्ले ऑफ मैच चल रहा है और स्टेडियम माशाल्लाह से ऐसा भरा हुआ है, बस अब पूछिए मत, एक बंदा भी और बैठने की जगह नहीं है, इतना भरा हुआ है स्टेडियम, बंदे पे बंदा बैठा हुआ है यार, क्या बात कर रहे हैं, इन पे लख दो पे दो बैठे हैं। ये प्लेऑफ चल रहा है जनाब, PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ, और इतने गंदे गंदे नजारे आ रहे हैं, कोई है ही कोई नहीं बंदा, 1000-2000 की दुबक के कहीं बेचारे बैठे हुए, बाकी खालम खाली। ओ बेशर्मो, जब वहां पे बंदा कोई नहीं आता या तुम नहीं ला सकते कोई वजह, तो जहां पे आते हैं तुम उधर ले आओ। बिल्कुल ऐसा कि जैसे कब्रिस्तान में मैच हो रहा है, ग्रेवयार्ड में मैच हो रहा है, इस तरह की सूरत हाल है यार। मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के जो अच्छे मैचेस होते थे कंपेटिटिव दूसरे स्कूलों से या कॉलेजेस से, उसमें इससे ज्यादा बंदे आ जाते थे मैच देखने के लिए कि जी वाह मजेदार मैच होगा। यहाँ तो बिल्कुल ही खालम खाली, और खाली एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, और कोई अजीबो गरीब किस्म की ये मैनेजमेंट है, कोई इनमें शर्म हया नहीं है कि कोई कुछ ना कुछ ये करें। और कोई तुम पाकिस्तान का जो सुपर लीग का जो पहली, अब दूसरा जो क्लेम करते थे पहली, वो तीसरे चौथे, तुम उसको खड्डे लाइन में
बिल्कुल दलदल में घुसा के फिर दम लेंगे। क्या जरूरत है वहां मैच रखने की जहां बंदे कोई नहीं आता, रखो कहीं और पे मैच रखो। स्टेडियम में आपको ढूंढना पड़ता है एक एक करके कि यार कहां पर बंदा कोई बैठा हुआ है, मिल जाए बंदा। 4 करोड़ की आबादी में जो 2000 लोग भी स्टेडियम में मैच देखने नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यही है कि कब्रिस्तान में पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है वैसे पीसीबी के लिए कि यार लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम तुम लोग शर्म कर लो। जहां पर लोग नहीं आ रहे वहां पर तुम मैचेस रख क्यों रहे हो? क्यों पाकिस्तान के ब्रांड का मजाक बना रहे हो? वो पीएसएल जिसको तुम कह रहे हो कि दुनिया की बड़ी लीग है, उसका तुम लोग खुद जो मजाक बनवा रहे हो। तुम्हें खुद तो इतना अक्ल है कि लोग नहीं आ रहे भाई, तो यहां पर मैचेस किस लिए रख रहे हैं? फ्री में तुम लोग जो है टिकट्स अनाउंस कर चुके हो, नहीं आए लोग, फिर भी तो तुम लोगों ने जो है वो कराची में ही मैच रखे। और इससे बड़ा जुल्म यह है कि अभी फाइनल मैच जो है वो भी कराची में ही होना है। 3 दिन हो चुके हैं भाई, फाइनल मैच की टिकट्स खुली हुई है, लोग ले ही नहीं रहे। पीसीबी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है, प्लेऑफ्स के टिकट्स किसी ने नहीं लिए। उधर WPL का फाइनल होने जा रहा है, टिकट्स सारी की सारी चली गई हैं। IPL की सारी टिकट्स पहले से जो है वो बुक हो चुकी हैं, और यहां पर जो है लोग आ ही नहीं रहे हैं। और उधर से पीसीबी बिल्कुल नालायक नखट्टू, समझ नहीं आती है इनको कि यार कहां पर मैच रखने चाहिए। यार आप रावलपिंडी में रख लो, लाहौर में रख लो, मुल्तान में रख लो, स्टेडियम छोटे हैं, ठीक है मानने वाली बात है, लेकिन कम अज कम वहां पर लोग तो आते हैं। कुछ तो लगता है कि यार लोगों में पीएसएल का शौक पाया जाता है, लोग पीएसएल देखना चाहते हैं, अपने ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे हैं और ये सारे मैचेस, बड़े मैचेस कराची में रख लिए हैं। इससे ज्यादा बोरिंग पीएसएल का मैंने कोई क्वालिफायर नहीं देखा आज तक यार। दिनेश शिक्रम कराची, एक तो स्टेडियम में इतने इंक्लोजियर्स खाली पड़े हुए हैं, सीटें खाली पड़ी हुई है कि अफसोस होता है देख के यार क्या मतलब। अभी मैं देख रहा था कि वो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स की, खचा खच भरा हुआ उनका स्टेडियम, ठीक है। हमारे वहां यानी कि क्वालिफायर हो रहा है यार, मतलब 4 मैच रह गए पीएसएल के, फिर भी ये कराची में क्राउड नहीं आके दे रहा। अब ये कहना कि जी वो रमजान की वजह से नहीं आ रहा, आई डोंट बाय दैट, इसलिए क्योंकि खास करके देखें ये मैचेस जो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 9 बजे स्टार्ट होते हैं मैचेस, तो 9 बजे का मतलब ये होता है कि आपका इफ्तार हो चुकी होती है, तो पीपल आर नॉट फास्टिंग एट दैट टाइम। तो ऐसा भी नहीं है कि चलो जी फास्टिंग में तो लोग इसलिए नहीं आ रहे, रात के 9 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पर फास्टिंग का टाइम भी नहीं है। फिर तरावी भी हर आदमी नहीं जाता पढ़ने के लिए, सीधी सी बात है यार। तो बात यह है कि मतलब पीपल नॉट टर्निंग अप इज एन अब्जेक्ट फेलियर ऑफ द पर्सन क्रिकेट बोर्ड इंक्लूडिंग दिस पीएसएल। बहुत ही बुरा हाल किया है पीएसएल के इस दफा यार, अफसोस हो रहा है देख के एकदम। क्या इसका मतलब, एक ब्रांड, अब पता नहीं क्या मैं कहूँ कि है कि नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का पीएसएल, लेकिन बुरा हाल कर दिया है, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू जस्ट मतलब व्हाट कैन आई से। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे अहम मरहला क्वालिफायर राउंड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। बास पवेलियन में तो इनक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। मेरे एक तो दोस्तों ने मुझे तस्वीर भेजी कि ये मैच क्या चाइना में हो रहा है या कराची में हो रहा है, और ये पाकिस्तान सुपर लीग के ये नाकुर स्टेज मैचेस कराची में इसलिए रखे थे कि बड़ी आबादी का शहर है तो बहुत लोग आएंगे यहां पर, मगर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनका क्रिकेट से प्यार खत्म हो गया? क्या रमजान है इस वजह से नहीं आ रहे? जब आप जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पीएसएल पूरा बर्बाद हो चुका है, पीएसएल ग्राउंड में कोई भी पब्लिक की आवश्यकता है वो पब्लिक है ही नहीं ग्राउंड में, पीएसएल का स्टेडियम पूरा खाली खाली जा रहा है, यानी ग्राउंड में दर्शक देखने को आ ही नहीं रहे। और ये बोल रहे बोल बच्चन कर रहे थे कुछ समय पहले पीएसएल चालू होने से पहले, सबसे बड़ी लीग है पीएसएल, लेकिन अब तो साबित हो गया कि पीएसएल एक फ्लॉप लीग साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही इस लीग को ना पसंद कर रहे, यानी कि क्राउड ही नहीं है। बिना क्राउड के कोई भी खेल, चाहे टेनिस हो, फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, सब बेकार है। क्राउड होना जरूरी है, तभी उसका पब्लिसिटी होता है। बिना पब्लिसिटी के आप क्या 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 ही कर लीजिएगा। जहाँ क्राउड है वहाँ पैसा भी आता है और सब आते हैं, उसमें तो ना तो बड़े प्लेयर्स खेल रहे, सब छोटे छोटे प्लेयर्स है, और उसी कोई यानी कोच भी नहीं किया गया यहाँ पे, यहाँ तक सुनने में आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो भी टीम से इसमें शामिल हुई है, पूरा शेड्यूल खाली खाली जा रहा,
जैसे कि आप तस्वीर में देख ही रहे हैं कि स्टेडियम पूरा खाली है, पब्लिक का नामो निशान बहुत कम है, तपड़ा ग्राउंड है लेकिन उसमें से 2-3 हजार लोग है, क्या मजा आता है देखने में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।